couple of more people. Since I'm starting the recording, you will have you may be removed from the meeting. So in case you are removed, join it again. Huh? Yeah, fine, that's fine. Okay. Yeah, so yes, Jhelum Chit is because we know the daughter languages of Sanskrit, that is Hindi or Gujarati or Marathi. That is why Sanskrit is very easy for us. But when we talk about Germans, yes, Anurag ji, that's true. Vishwa Aduri's books are, those are on Amazon also, and both of them work. They both are very good at writing research papers on these things. And yes, they have written a book, The Nay Science, which is on German Indology. And also one more interesting thing is German Indology and Indology, which we study here, is totally different. Okay, so yes, this is something interesting about that. And yes, Jhelum ji, as I was telling you, Germans think that first German is more easy, and then when they try to learn Sanskrit, that's also very easy for them after learning German. So yes, okay. Deepak ji, I'll share a few videos if you want. Fine. Yeah. Okay, fine. I think okay. Fine. So, Anshul ji, you may share the screen now. Yeah, that's fine. Okay, so today what we are going to see is Chaturthi Vibhakti. Whenever we talk about Chaturthi Vibhakti, it's like when we give something, जब हमें कोई दान करना है, ठीक है, जब देने की बात आती है तो संस्कृत में हम चतुर्थी विभक्ति का उपयोग करते हैं. चतुर्थी विभक्ति, द पिक्युलैरिटीज ऑफ चतुर्थी विभक्ति आर, चतुर्थी विभक्ति की खासियत है कि चतुर्थी विभक्ति, जब हम नमः, जब हम किसी को नमन करते हैं, ठीक है, जैसे हम हमेशा बोलते हैं गणेशाय नमः, ठीक है, शिवाय नमः, ये जो सारा हम सरस्वत्यै नमः, ठीक है, ये जो सारा है वो सारा भी वो ये जो सारे शब्द है गणेशाय, सरस्वत्यै, शिवाय, ठीक है, ये सारी जो शब्द है वो सारे चतुर्थी विभक्ति में है. ओके, सो आज के बाद आप सबको पता है कि ये शब्द चतुर्थी विभक्ति है. ओके, तो स्पोकन संस्कृत में संभाषण जब हम बात करते हैं तब हम पुत्राय, कृषकाय, भिक्षुकाय, ठीक है, इस सेशन में हम नहीं करते, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन. आई एम शोइंग दिस टू यू. मैं आप सबको ये इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि द ओनली रीजन इज कि आई डोंट वांट एनी कंफ्यूजन आफ्टर द कोर्स. ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोर्स के बाद, क्योंकि इफ यू गो एंड रीड समवेयर, या फिर आप संस्कृत के बुक्स भी देखेंगे ना, तो भी आपको चतुर्थी विभक्ति की जब हम बात करेंगे तो आपको ये शब्द दिखेंगे, जैसे माता पुत्राय पायसम ददाती, ठीक है, माता पुत्र को पायसम ददाती, ठीक है. अब हम जब हिंदी में बात करते हैं तो पुत्र को ही हम बोलते हैं, लेकिन डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ, संस्कृत में ददाती के अर्थ में जब भी हम कोई चीज किसी को देते हैं तो वो जिसको देते हैं उसकी उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है. सो डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ विद इट. एंड वन मोर थिंग, अगर ये समझ में नहीं भी आता है फॉर नाउ, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. पायसम इज खीर, खीर. एंड यस, पायसम से मुझे याद है शोधनी का मुझे अर्थ पूछा था कल. शोधनी इज अ फिल्टर, ओके, जो हम विच वी टेक टू फिल्टर द टी, या फिर ऑल्सो ब्रूम, ब्रूम के लिए भी हम ये वर्ड यूज करते हैं, शोधनी. ओके, सो दीज आर द टू मीनिंग्स फॉर शोधनी, यू कैन यूज इट एनी वे.
उसके बाद है नेता कृषकाय क्षेत्रम ददाति, ठीक है, नेता जो है वो कृषक को, फार्मर को क्या देता है, क्षेत्रम ददाति, क्षेत्रम इज लैंड, ठीक है, ददाति। तो जैसे मैं कह रही थी, अगर ये आपको अभी समझ में नहीं आता, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई भी बात नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू सी इट इन दिस कॉन्टेक्स्ट नाउ, बट आई एम शोइंग दिस टू यू कि अगर आप कोई संस्कृत की बुक देखते हैं, एंड इफ यू गेट दिस डोंट गेट कंफ्यूज, ये ही चतुर्थी विभक्ति है, हम इसके लिए जो पर्याय है अर्थम किमर्थम, जो भी जो पर्याय है, विल सी इट अहेड, बट वो हम यूज करेंगे अभी के लिए, ओके? तो इट विल बी इजी, दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट चतुर्थी विभक्ति ऐसी होती है, ओके? आई विल रीड आउट ऑल द एग्जांपल्स, इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स, एंड यस आई विल टेल यू द मीनिंग्स आल्सो, ठीक है, ओके? माता पुत्राय, पुत्र को पायसम ददाती, ठीक है, पायसम इज खीर एज आई टोल्ड, नेता कृषकाय क्षेत्रम ददाती, ठीक है, नेता कृषक को क्षेत्र देता है, ठीक है, यस जेरम जी, एब्सोल्युटली राइट, वी हैव दिस श्लोकास इन टुडेज पीडीएफ, वी आर गोइंग टू सी दिस श्लोकास आल्सो आफ्टर चतुर्थी विभक्ति, थैंक यू। जनाः भिक्षुकाय नाणकं ददाति, नाणकं इज कॉइन, ठीक है, जनाः भिक्षुकाय, भिक्षुक को कॉइन्स सिक्के देता है, ठीक है, युवकः वृद्धायै उपनेत्रं ददाति। अब जो ऊपर के तीन शब्द थे, पुत्राय, कृषकाय, भिक्षुकाय, ये सारे वर्ड्स ये थे पुल्लिंग थे, ठीक है, इसलिए काय काय आ रहा था। जब हम स्त्रीलिंग पे आते हैं तो इट्स अ बिट ट्रिकी नाउ, ओके? वृद्ध युवकः वृद्धायै, वृद्धा वृद्धा को, ठीक है, वृद्धा एक बूढ़ी औरत को, ठीक है, उपनेत्रम, उपनेत्रम इस चश्मा, ठीक है, स्पेक्टिकल्स ददाती, देते हैं, देता है, ठीक है, सखी महिला यही, महिला को छत्रम, छत्रम ददाती, ठीक है, फिर है वैद्यः रुग्णा यही, रुग्ण को औषधम ददा यच्छति, यच्छति इज आल्सो टू गिव, ओके, वैद्यः रुग्णा यही औषधम यच्छति, फाइन। उसके बाद अग्रजः, अग्रजः भगिन्यै, अग्रजः इज बड़ा, बड़ा भाई, ठीक है, अगर अग्रज होता है तो इज बड़ा भाई, अगर अग्रजा होता है तो इज बड़ी, इट इज बड़ी बहन, ठीक है, अग्रज इज बड़ा, अनुजह इज छोटा भाई या बहन, ठीक है, अनुजह अनुजा, ठीक है, ओके फाइन। अग्रज भगिन्यै वस्त्रम ददाती, अग्रज बड़ा भाई भगिन्यै, भगिनी को, बहन को वस्त्रम ददाती, वस्त्र देता है, ठीक है, फिर पितामहः जनन्यै आशीषम ददाति, ठीक है, पितामह जो है वो जननी को, ठीक है, आशीषम ददाति, आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, पति ही पत्न्यै आभूषणम यच्छति, पति जो है वो अपनी पत्नी को आभूषणम, हाँ, आभूषणम इज नेकलेस, ठीक है, ज्वेलरी यच्छति देता है, ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस गोज, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एट ऑल, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन फॉर नाउ, ओके, फॉर दीज 10 डेज वी विल सी इट, हम आगे भी इसे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है अवधेयम, अवध व्हाट डज अवधेयम मीन, ठीक है, आज हम जो पूरी पीडीएफ है उसमें बहुत बार अवधेयम ये शब्द देखने वाले हैं, ओके, सर्टेनली व्हाट डज अवधेयम मीन्स, कि ये पर्टिकुलर जो हमने देखा है उसमें क्या याद रखने जैसा है, क्या देखने जैसा है इसमें से, ओके, और शिखा जी ददाती यानी यच्छति आर द सेम, सिर्फ दो अलग अलग क्रिया है बस, देना देना ही दोनों का अर्थ है, टू गिव, ओके, यस, सो जैसे प्रथमा विभक्ति बालकः, बालको, बालकः हमने देखा है, ठीक है, डोंट फोकस ऑन दैट, द्वितीया विभक्ति बीच में जो है डोंट फोकस ऑन दैट, इट इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है, बालकाय और बालकेभ्यः, ठीक है, बालकाभ्यम, जब वी विल जस्ट स्किप दैट, दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आप अगर आप कहीं पढ़ते हैं तो आप कहीं कंफ्यूज ना होए, दैट हो जाए, इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। द सेम वे महिला, महिले, महिलाः, चतुर्थी विभक्ति महिलायै, महिलाभ्याम, महिलाभिः, महिलाभ्य, ठीक है, फिर
फिर प्रथमा विभक्ति पुत्री, ठीक है, ये जो सारे शब्द है वो अलग अलग अंत वाले हैं। जैसे बालक हमने देखा, तो बालक कैसा है, बालक इज अकारांत, उसका अंत अ से होता है, ठीक है। फिर महिला जो है वो आकारांत है और स्त्रीलिंग शब्द है। सेम वे पुत्री जो शब्द अब हम देखने वाले हैं वो है इकारांत स्त्रीलिंग, जो उस जिसका अंत ई से होता है, ठीक है। फिर है चतुर्थी विभक्ति, उसका चतुर्थी विभक्ति क्या होगा पुत्री का, पुत्र्यै, पुत्रीभ्याम और पुत्रीभ्यः, ठीक है। ये ट्रिकी है, डोंट मतलब टेंशन मत लीजिए, दैट एब्सोल्युटली फाइन। फिर है प्रथमा विभक्ति मित्रम, दिस इज नपुंसक लिंग शब्द है, ठीक है। मित्रम, मित्रे, मित्राणि, हाँ, मित्राय, मित्राभ्याम, मित्रेभ्यः, ओके, दिस इज डन, याद रहता है, फाइन, नहीं रहता है, एब्सोल्युटली फाइन, ओके, डोंट वरी। यस, अंशुल जी, कैन यू प्लीज स्क्रॉल डाउन अ बिट, या, ओके, आई जस्ट टेल दिस एग्जाम्पल फॉर यू, ओके, वाक्यानि रचयन्तु, आई जस्ट से ऑल द सेंटेंसेस, डोंट वरी। यहाँ जो ऊपर शब्द है, पिता और अनुज, ठीक है, ये क्या है, तो उदाहरण, पितामह जनकाय प्रसादम ददाति, देने की क्रिया यहाँ पे हो रही है, क्या देना है, प्रसाद देना है। पितामह जो है वो क्या कर रहे, दादाजी, ठीक है, वो किसको, जनकाय, जनक कौन है, पिता, ठीक है, जनक, पिता के लिए हम जनक शब्द भी यूज करते हैं, जनक, ठीक है, पितामह जनकाय पिता को प्रसादम ददाति, प्रसाद देते हैं, क्या दे रहे हैं, प्रसादम, ठीक है, उसकी यहाँ पे द्वितीया विभक्ति हुई है, ओके, फाइन। उसके बाद जनक किसको दे रहा है, ऊपर एरो किया है, जननी को दे रहे हैं, ठीक है, तो हम कैसे कहेंगे, जनक जनन्यई, ठीक है, प्रसादम ददाति, ठीक है, किसको दे रहे हैं, जननी को, इसलिए जननी का क्या हुआ, चतुर्थी विभक्ति हुई, ठीक है। फिर जननी अग्र अग्रजायै, ठीक है, अग्रजायै प्रसादम ददाति, ठीक है। फिर है अग्रजा अनुजाय प्रसादम ददाति, ऐसे हम इसके लिए चतुर्थी विभक्ति के लिए सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, ओके। सो आई, लेट मी सी इफ देयर आर एनी डाउट्स, या फाइन, ओके, यस, अंशु जी प्लीज स्क्रॉल डाउन अ बिट, फाइन, ओके। सो यहाँ पे विल सी द सेकेंड एग्जाम्पल, ओके, विल सी ओनली टू एग्जाम्पल्स फ्रॉम दिस, जय कुमार जी, कैन एग्जाम्पल फॉर चतुर्थी विभक्ति, ओके, आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल फ्रॉम दिस, ओके, वी आर, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन ऑन चतुर्थी विभक्ति, डोंट वरी, इसके बाद जो है आई आई विल आस्क यू दोज क्वेश्चन, ओके। तो स्वामी, ओके, गृहिणी भिक्षुकाः अन्नम ददाति, गृहिणी जो है वो भिक्षुकों को अन्न देती है, ठीक है, तो गृहिणी भिक्षुकेभ्यः, भिक्षुकों को, उसका बहुवचन हो गया, अन्नम ददाति, ओके, ठीक है। फिर और एक देखेंगे, विल सी हियर लास्ट वन, आपणिकः ग्राहकः वस्तुनि ददाति, आपणिकः इज द वन हु सेल्स, दुकानदार, ठीक है, आपणिकः ग्राहकाय, ग्राहक को वस्तुनी देता है, वस्तुनी ददाति, ठीक है। दिस इज द वे दिस चार्ट विल गो, बट दिस इज अ बिट डिफिकल्ट फॉर नाउ, इसलिए वी आर नॉट डूइंग इट, ओके, फाइन। अंशुल जी, कैन वी गो अप, कैन यू जस्ट स्क्रोल डाउन अ बिट, या ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, दिस इज रोचते है प्रयोगे चतुर्थी, ठीक है, रोचते मतलब कोई तो चीज पसंद है, उसके अर्थ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। नाउ यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि ये कौन से बेसिस पर डिसाइड होता है कि रोचते है प्रयोगे चतुर्थी, लेट मी टेल यू, हमने पहले दिन देखा था कि रोचते है क्या, रो
पाणिनी मुनि जी के बारे में हमने देखा था, तो ये पाणिनी मुनि जो है उन्हें जो माहेश्वर सूत्रानी है ना, ऐ उन रुल रूप ऐ औच इत्यादि, तो इन सूत्रों के बेसिस पर जैसे मैंने कहा था 3998 फॉर्मूलाज सूत्र लिखे हैं, जिनमें उन्होंने बताया है ये सारी चीजें उन्होंने बताई है, और हर एक के लिए अलग एक सूत्र है, ठीक है। और फिर इन सूत्रों में से, इन सूत्रों को फिर अलग अलग आगे जो व्याकरणकार आते गए उन लोगों ने उसे बाइफर्गेट कर दिया। कैसे बाइफर्गेट किया कि हाँ बाबा प्रथम विभक्ति के लिए है तो प्रथम विभक्ति के सारे सूत्र यहाँ पे, फिर द्वितीय के और एक ज्ञान लिस्ट कर दो, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने किया और तब ना हमारे पास ये सूत्र आ गए कि रोचते है प्रयोगे चतुर्थी। ये सूत्र नहीं है, इट इज जस्ट अ सेंटेंस, ओके। सूत्र बहुत अलग है एंड विल नॉट गो टू सूत्रास, ओके, दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ओके। सो हम देखेंगे कि रोचते है मींस अच्छा लगना, मुझे ये पसंद है, उसके अर्थ में हम हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वो हम कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। बालकाय मधुरम रोचते, बालक को मधुर अच्छा लगता है, मीठा अच्छा लगता है, ठीक है। फिर गीता, यही गीता को जिसको अच्छा लगता है ना उसकी वहां पे चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। गीता यही नाटकम रोचते, गीता को नाटक अच्छा लगता है, ठीक है। फिर मनोजाय, मनोज को उपन्यास है, उपन्यास जैसे हिंदी में इसका अर्थ है, ठीक है, उपन्यास, उपन्यास रोचते, ठीक है, उपन्यास अच्छा लगता है, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान रखने जैसी चीज अवधेयम क्या है कि रोचते इत्यस्य प्रयोगे, मैंने ये हिंदी में या इंग्लिश में इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि दिस इज द 8th डे ऑफ आवर कोर्स एंड यस वी नीड टू अंडरस्टैंड संस्कृत बेट नाउ, राइट, ठीक है। रोचते इत्यस्य प्रयोगे, रोचते के प्रयोग में यस्मै रोचते, जिसको अच्छा लगता है तस्य चतुर्थी विभक्ति ही भवति, उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। और विशेष यहाँ पे एक चीज विशेष ऐसी है कि यत रोचते तस्य तो प्रथमा विभक्ति ही एव भवति, जो अच्छा लगता है, जैसे बालकाय मधुरम रोचते, तो मधुरम वो प्रथमा विभक्ति में ही रहेगा, एंड मधुरम, मधुरम क्यों है, म क्यों है वहां पे, उसका एक ही रीजन है कि मधुरम नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए उसकी प्रथमा विभक्ति वही है, ठीक है, ओके। आई होप आई एम क्लियर, या फाइन। फिर है ठीक है, वील सी दिस एग्जाम्पल्स, इफ एनी वन यू विल, इफ यू एनी वन ऑफ यू वॉन्ट्स टू ट्राई जस्ट पुट अ मैसेज इन द चैट बॉक्स दैट यू वॉन्ट टू ट्राई, बाई देन आई जस्ट गिव यू टू एग्जाम्पल्स, ठीक है, ओके। बालक मधुरम रोचते, बालकाय मधुरम रोचते, ठीक है। वैसे ही गज इक्षुदंड रोचते, गजाय गज को इक्षुदंड शुगर केन रोचते, ठीक है, ओके फाइन। टू एग्जाम्पल्स आर फाइन विद दिस, ओके ओके। नाउ यस यू कैन स्क्रोल, यस अंशुल जी यू मे स्क्रोल, फाइन, यस यस यस, ओके। सो किमर्थम, दिस इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली फॉर आर स्पोकन थिंग, ओके, ये हमें बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। अब किमर्थम, किम अर्थम, क्यों, ठीक है, किमर्थम का अर्थ है क्यों, ठीक है, या फिर गुजराती में है केम, ठीक है, या फिर मराठी में है काबर, ठीक है। उदाहरण क्या है, सैनिकाः किमर्थम उद्योगम कुर्वन्ति, सैनिक जो है वो क्यों उद्योग करते हैं, वाई, ओके। फिर उसका आंसर क्या है, उस ब्रैकेट में क्या है, देश रक्षणम, ठीक है, तो उसका आंसर क्या है, सैनिकाः देश रक्षणाय उद्योगम कुर्वन्ति, ठीक है। यहाँ पे मैंने चतुर्थी विभक्ति देश रक्षणाय लिखा है, लेकिन उसका देश रक्षणार्थम, ठीक है, जिससे ऊपर क्वेश्चन में है किमर्थम, ओके, दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेम्बर, देश रक्षणार्थम, अध्ययनार्थम, जीवनार्थम, ज्ञानार्जनार्थम, स्वास्थ्य वर्धनार्थम, ठीक है, फाइन। वी विल सी द क्वेश्चंस नाउ। छात्राः
किमर्थम विद्यालयम गच्छन्ति, छात्र जो है सारे वो क्यों विद्यालय को जाते हैं, ठीक है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, प्रतीक सिंह जी किमर्थम मतलब क्या नहीं हो सकता, क्यों होगा वो, ओके। फिर है छात्राः किमर्थम विद्यालयम गच्छन्ति, तो उसका आंसर आएगा छात्राः अध्ययनार्थम, अध्ययन जो भी शब्द होगा मूल उसके अंत में हम अर्थम लगा देंगे, ठीक है। वैसे हम चतुर्थी विभक्ति का उपयोग पर्याय रूप से करते हैं, एंड व्हाट वी नीड टू रिमेम्बर हियर इज, ठीक है, छात्राः अध्ययनार्थम, ओके, छात्राः अध्ययनार्थम विद्यालयम् गच्छन्ति, ओके, छात्राः किमर्थम विद्यालयम् गच्छन्ति, ठीक है। जहां जहां प्रश्न में किमर्थम ये प्रश्नवाचक शब्द है वहां वहां ब्रैकेट वाला जो भी शब्द होगा उसको हम अर्थम ऐड करके बोलेंगे। दिस इज अ शॉर्टकट फॉर रिमेम्बरिंग दिस, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल, जनाः किमर्थम भोजनम कुर्वन्ति, जनाः जीवनार्थम भोजनम कुर्वन्ति, ओके। अब आई विल आस्क, ओके, पर्यटकाः, आई एम सॉरी, आई हैव, क्षम्यताम, आई हैव टाइप पर्यटकाः, इट्स टकाः, ओके, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक, पर्यटकाः टूरिस्ट्स किमर्थम भारतम आगच्छन्ति, ठीक है, ओके। Who will try? Fine. Aditya Kashyap ji, would you like to try this? Yes, ma'am. Yeah. पर्यटकाः ज्ञानार्जनार्थं भारतम् आगच्छन्ति. ज्ञानार्जनार्थं भारतम् आगच्छन्ति. उत्तमम्, उत्तमम्, शोभनम्. Okay, धन्यवादः. Okay. सर्वे किमर्थम योगासनम कुर्वन्ति? शिखा जी, यू मे ट्राई. सर्वे स्वास्थ्यवर्धकम योगासनम कुर्वन्ति. ओके, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, जैसे स्वास्थ्य वर्धनार्थम, ठीक है, हम अर्थम लगाएंगे ना, वर्धनार्थम, ओके ओके, हाँ, स्वास्थ्य वर्धनार्थम, ओके, स्वास्थ्य वर्धनार्थम, ओके, स्वास्थ्य वर्धनार्थम, नार्थम, हाँ, उत्तमम, उत्तमम, थैंक यू सो मच. पूरा वाक्य, वाक्य पूरा एक बार बोलेंगे आप? या मैं ट्राई करती हूँ मैम. सर्वे स्वास्थ्य वर्धनार्थम योगासनम कुर्वन्ति. उत्तमम, उत्तमम, अस्तु, धन्यवाद. नेक्स्ट है, भारतीयाः किमर्थं प्रार्थनां कुर्वन्ति, ठीक है, यस, साक्षी जी, यू मे ट्राई. यस मैम, भारतीयाः मानव कल्याणार्थं प्रार्थनां कुर्वन्ति. उत्तमम, उत्तमम, सम्यक, ओके, भारतीयाः मानव कल्याणार्थं प्रार्थनां कुर्वन्ति, वेरी गुड, ओके. वैज्ञानिकाः किमर्थं विदेशं गच्छन्ति, रविरंजन जी, यस, यू मे ट्राई. वैज्ञानिका अनुसंधानं विदेशं गच्छन्ति. अनुसंधानार्थम विदेशम गच्छन्ति. विदेशम गच्छन्ति, अनुसंधान इज रिसर्च, ओके, यस मैम, फाइन. उसके बाद है, धन्यवाद, धन्यवाद, यस, ऑल डियर, ऑल, नो नीड टू, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. इफ यू डोंट राइट दैट यू वांट टू ट्राई, आई एम गोइंग टू आस्क एवरीवन एज आई डू इट, ओके, that's fine if you don't write down in the chat box, I'll ask everyone, okay, yes. So next one is balaah kimartham kridangalam, kridangalam is ground, okay, playground. Balaah kimartham kridanganam gacchanti, okay, just a minute, okay, I'll just see.
Riya ji, would you like to try this? Yes, ma'am. Yeah. Balakah kridanartham krida anganam gachati. Gachanti. Gachanti, yeah. उत्तमम् उत्तमम् बालाः क्रीडनार्थं क्रीडाङ्गणं गच्छन्ति ओके फाइन आफ्टर दैट वयम् किमर्थं मंदिरं गच्छामः वयम् हम सब क्यों मंदिर में मंदिर को जाते हैं ठीक है यस अनुराग जी वुड यू लाइक टू ट्राई दिस वयम् अर्चनायम् मंदिर गच्छामः अर्चनार्थम अर्चनार्थम सॉरी या दैट्स फाइन वयम् अर्चनार्थम मंदिरम गच्छामः कुड यू प्लीज रिपीट इट रिपीट द होल सेंटेंस वंस वयम् कौन सा संघ हां वयम् अर्चनार्थम मंदिरम गच्छामः उत्तमम् उत्तमम् धन्यवादः अस्तु पाचकः किमर्थम पाकशालायाम् अस्ति पाचक इज द वन हु मेक्स फूड ओके किमर्थम पाकशाला जहाँ पे हम खाना बनाते हैं पाकशाला अस्ति ठीक है सो यस प्रतीक सिंह जी प्लीज ट्राई मैम इट विल बी पाचक भोजन निर्माणम पाकशालायाम् अस्ति ओके थोड़ा सा चेंज यहाँ पे भोजन निर्माणार्थम ओके भोजन निर्माणार्थम निर्माणार्थम हाँ उत्तमम उत्तमम धन्यवाद अस्तु पाचकः भोजन निर्माणार्थं पाकशालायाम् अस्ति ठीक है ओके नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन सर्वे किमर्थं तत्र समवेताः समवेताः एकत्र क्यों हुए हैं ठीक है सर्वे किमर्थं तत्र समवेताः सन्ति ठीक है ओके सो केवल जी विल यू ट्राई यस मैम या सर्वे अवलोकनार्थं तत्र समवेताः सन्ति उत्तमम् अवलोकनार्थं मतलब देखने के लिए ओके धन्यवाद केवल जी उत्तमम् अस्तु यस अंशुल जी कुड यू प्लीज स्क्रॉल डाउन अ बिट या यस ओके समवेता मीन्स एकत्र क्यों हुए है इकट्ठा क्यों हुए है ठीक है अब जेलम जी एज यू टोल्ड बिफोर मेंशन्ड बिफोर अ फ्यू मिनट्स श्लोकाः या प्लीज मैम अभी जो ये भोजन निर्माणार्थम एक वर्ड आया है उसमें कभी कभी प्रोनंसिएशन में हम ऐसा भी बोलते हैं कि निर्माणार्थम और कभी निर्माणार्थम तो संस्कृत के कॉन्टेक्स्ट में सही प्रोनंसिएशन क्या होगा निर्माणार्थम या निर्माणार्थम निर्माणार्थम न और ण उसमें ना डिफरेंस क्या होते है कि जैसे जैसे स्टेट बदलता है वैसे वैसे बोलने का तरीका प्रोनंसिएशन बदलता है तो कुछ जगह पे लोग न कहते हैं लेकिन आइडियली इट शुड बी ण ओके निर्माणार्थम ओके ओके धन्यवाद धन्यवाद ओके जी तो नाउ वी आर गोइंग टू सी अ फ्यू श्लोकास ओवर हियर ओके दी श्लोकाज आर स्पेशली रिलेटेड टू चतुर्थी विभक्ति इसीलिए हम ये देख रहे हैं विद्या विवादाय विवादाय इज चतुर्थी धनम मदाय शक्ति ही परेशाम परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ठीक है इसका संस्कृत में ही मैंने अर्थ लिखा है आई विल टेल इट टू यू इन हिंदी आल्सो बट आप सबको अब संस्कृत समझ में आना चाहिए इसलिए मैंने संस्कृत में ही उसका अर्थ लिखा है श्लोक जब हम देख रहे हैं आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग ओवर हियर इज जब श्लोक जो होते हैं दे आर नॉट सेंटेंसेस वो पद्य होते हैं सो जब हमें श्लोकों को समझना रहता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
बेसिक स्टेज पे कि हम श्लोकों को सेंटेंस फॉर्म में पहले लाए, ठीक है, उससे भी पहले की एक स्टेज है जिसे हम अन्वय कहते हैं। अन्वय मतलब क्या होता है कि जो जैसे विद्या विवादाय, ये हर एक जो वर्ड है जैसे श्लोक में है वैसे ही उसका जो मूल रूप है उसे लिखे, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, यहाँ पे मैंने सिर्फ श्लोक का सेंटेंस किया है, ठीक है। क्या है? दुष्टस्य विद्या विवादार्थम एव भवति, ठीक है। दुष्ट की जो विद्या होती है वो विवाद के लिए ही होती है, ठीक है। फिर तस्य धनम मदाय, ठीक है, उसका धनम मद के लिए ही होता है, दैट इज अच्छे जो बुरे कर्म होते उसके लिए ही होता है, ठीक है। शक्ति ही च परपीडयितुम, शक्ति जो उसकी होती है, जो ये जो हम दुष्ट लोगों की बात कर रहे हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी जो शक्ति होती है वो दूसरों को परेशान करने के लिए ही होती है। परंतु पर सज्जनस्य विद्या, सज्जन की जो विद्या होती है वो किस लिए होती है? ज्ञान दानाय, ज्ञान देने के लिए, ज्ञान अर्पण करने के लिए, ठीक है, सिखाने के लिए। और उसका धन किस लिए होता है? दान के लिए होता है, ठीक है, दान देने के लिए। और शक्ति किस लिए होती है? रक्षण करने के लिए होती है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल श्लोक। इतने से दो लाइन के श्लोक में वी कैन सी अ लॉट ऑफ, इट्स फुल ऑफ मीनिंग, ठीक है, मीनिंगफुल है बहुत। ओके, आई जस्ट सिंग द श्लोका वंस और फिर नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ठीक है। ओके, नेक्स्ट श्लोक है रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। ओके, यस, सो इसका मीनिंग ऐसा होगा, आई जस्ट रीड द संस्कृत वन फर्स्ट। ओके, रामाय नमः, ठीक है, रामभद्राय नमः, ओके, देन रामचंद्राय नमः, फिर वेधसे नमः, ठीक है, रघुनाथाय सीतायाः पतये नमः और सर्वेषां नाथाय च नमः, ठीक है। तो जैसे हमने, जैसे मैंने आपको पहले कहा था चतुर्थी विभक्ति जब हम देख रहे थे तब, कि जब भी हम नमः, ठीक है, नमः शब्द का उपयोग करेंगे संस्कृत में, तब हमेशा हम चतुर्थी विभक्ति का ही उपयोग करेंगे। तो ये श्लोक उसका उत्तम उदाहरण है, ठीक है। रामाय नमः, राम को नमन है, ठीक है, फिर राम भद्राय नमः, राम भद्र राजा जो है उनको नमः, ठीक है, फिर रामचंद्र जी को नमः, ठीक है, नमस्कार, ठीक है, फिर या फिर वेद से सृष्टि कर, वेद से मीन्स जो सृष्टि की रचना कर जिन्होंने की है, सृष्टि कर्त्रे नमः, ठीक है, उनको भी उनको नमः, वही वो भी राम ही है, श्री राम, ठीक है, फिर रघुनाथाय रघुनंदन को, ठीक है, रघुकुल के जो नाथ है उनको नमः, फिर सीतायाः पतयः, सीतायाः पतये, सीता जी के जो पति है उन राम को नमन है, हमारा नमस्कार है, और सर्वेषां नाथाय च नमः, ठीक है, सबके जो नाथ है उनको भी मेरा नमन है, ठीक है। सो वे टॉकिंग अबाउट कि जो श्री राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हो गया है, तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दैट दैट। ओके, सो आई जस्ट से द श्लोका वंस। ओके, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः, ठीक है। isn't this so beautiful? Yes, yeah. Okay, are there any questions? Ma'am, I have a doubt. Yeah. जी, हम लोग जब प्रनाउंस करते हैं पूरा एक श्लोक, जैसे रामाय रामचंद्राय रामभद्राय यवेधसे, तो य और वेध से हम लोग जो जोड़ देते हैं लास्ट को, तो वो कैसे पता चलेगा कि श्लोक में कोई हम लोग कहां जोड़ना चाहिए कहां जोड़नी नहीं चाहिए? अच्छा, ओके, सो ओके, आई विल जस्ट आंसर योर क्वेश्चन। ओके, फाइन। रामाय राम, आई विल जस्ट से द श्लोका वंस, ओके, एंड देन एक्सप्लेन। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, ठीक है, जब मैं श्लोक बोल रही हूँ तभी भी मैं रामचंद्राय में एक ही यूनिट कर रही हूँ, लेकिन हाँ, ऐसे बहुत सारे श्लोकास होते हैं जहाँ पे रामचंद्राय वेधसे या फिर जो भी है वो एक साथ हो जा रहा है,
और हमें श्लोक बोलते समय समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से वो अलग हो रहा है या कौन सा वर्ड, कौन से दो वर्ड्स अलग हो रहे हैं। इसी के लिए जैसे मैंने कहा कि अन्वय एक मार्ग है जहाँ पे हर एक वर्ड को जैसे श्लोक है वैसे ही अलग अलग अपने मूल स्वरूप में लिखा जाता है। और हम ऐसा क्यों करते हैं, एक साथ क्यों बोलते थे, उसका रीजन है छंद, मीटर्स, व्हाट वी कैन से इन इंग्लिश, और हिंदी में भी उसे हम छंद ही कहते हैं, जो गाने की जो रीत है उसे हम छंद के पीछे, लेकिन आई जस्ट टेल यू इन शॉर्ट यहाँ। हाँ मगर छंद कैसे पता चलेगा कि ये हम लोग का जो श्लोक की पैटर्न है yes. तो वो कौन से छंद में आता है और कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए? ओके, एक श्लोक वैसे अलग अलग रहता है लेकिन जो हम रोज सुनते हैं या फिर हम बोलते भी है वो सारे श्लोक ऑलमोस्ट अनुष्टुप छंद में रहते हैं। I'll not go in much details क्योंकि हमें आगे भी टॉपिक्स देखने हैं, बट देन आई जस्ट टेल यू इन टू लाइन्स कि अनुष्टुप छंद जो होता है उसके उसमें टोटल जो अक्षर रहते हैं ना 32, अब वो 32 कैसे काउंट करने हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, और उसका प्रत्येक जो चरण होता है वो भी उसमें 8 अक्षर होते हैं, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल, रामाय राम भद्राय, ये एक चरण है जिसमें 8 अक्षर है, रामाय राम भद्राय, दीज आर 8, ठीक है। फिर रामचंद्राय वेद से ये 8 अक्षर है, ठीक है। ऐसे 4, 8, 4, 32, ऐसे 32 अक्षर रहते हैं इसमें, वर्ण रहते हैं अनुष्टुप छंद में, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग छंद है, इट्स वो बहुत एक अलग विषय है, सो आई विल नॉट गो इनटू इट फॉर नाउ। ओके, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओके जी मैम, जी थैंक यू, धन्यवाद। ओके धन्यवाद, अस्तु आगे देखेंगे। ओके फाइन, विल गो, थोड़ा आगे जाएंगे। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम् इदं शरीरम्, ठीक है। वृक्षाः अन्येभ्यः उपकारं कर्तुम् एव फलन्ति, वृक्ष जो है वो दूसरों के ऊपर उपकार करने के लिए ही फलन्ति, फलते हैं, ठीक है। फिर नद्यः अपि परोपकारार्थम् एव प्रवहन्ति, नदी जो होती है वो परोपकार के लिए ही प्रवहंती। आपने कभी देखा है फल, वृक्ष कभी अपने फल खाता है? नहीं, वो हम खाते हैं, वो हमारे ऊपर उपकार करने के लिए ही बड़े होते हैं। ओके, उगते हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड, माय हिंदी इज नॉट दैट गुड। ओके, फिर परोपकारार्थम, दूसरों के उपकार के लिए ही नदी बहती है, नदी कभी अपना पानी पी नहीं पाती है, नदी अपने आप के लिए कुछ नहीं करती, वो सब कुछ हमारे लिए परोपकारार्थम, परोपकार के लिए ही करती है। धेनवः पर सहायार्थम एव क्षीरम यच्छन्ति, धेनवः गाय जो होती है वो क्या करती है, पर दूसरों की सहायता के लिए ही क्षीरम यच्छन्ति, दूध, क्षीरम इस दूध देती है। और अतः एतत् शरीरम, जो ये हमारा शरीर है वो परोपकाराय एव अस्ति, वो परोपकार के लिए ही है, ऐसा हमें भी निर्णय, ऐसा निर्धार हमें भी करना चाहिए। ओके, दिस इज व्हाट द श्लोका सेज। यहाँ पे भी परोपकाराय जो चारों इसमें है वो चतुर्थ विभक्ति में ही है। ओके, आई होप आई एम क्लियर विथ ऑल दी श्लोकास। ओके, इज द ओके रवि रंजन जी, ओके यस, इट्स अ गुड, अच्छा सुझाव है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट नाउ or else we will not complete our topics, okay? Anyways, we are lagging behind, ठीक है? Okay, fine. So, देनवह, मैम था वो श्लोक में, देनवह is, उसका मतलब गाय है, ठीक है, लास्ट श्लोक में है वो, fine. अब हम देखेंगे, शीघ्रम मंदम सम्यक उच्चैः शनैः, ठीक है। अब ये क्या है, विल सी इट थ्रू एग्जांपल्स। ओके, विमानम शीघ्रम गच्छति, विमान शीघ्रम गच्छति, शीघ्रम इज फास्ट, विमानम शीघ्रम गच्छति, ठीक है। फिर है द्विचक्रिका मंदम गच्छति, द्विचक्रिका इज अ साइकिल, द्विचक्रिका जिसको दो चक्र है, व्हील है, ओके, द्विचक्रिका,
द्विचक्रिका मंदम गच्छति, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, स्लो धीरे धीरे। फिर सिंह उच्चैः गर्जति, हाँ सिंह सिंह जो होता है उच्चैः गर्जति, उच्चैः जोर से, ठीक है। फिर चटक चिमणी स्पैरो, शनैः शब्दम करोगी, धीरे धीरे च्यू 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 च्यू, ओके ऐसे बोलती है, ठीक है। फिर गायिका गायिका सम्यक गायती, अच्छा गाती है, सम्यक एक्यूरेट कह सकते हैं पर इट्स बेसिकली अच्छा, गायिका सम्यक गायती, ठीक है। और बालिका सम्यक पठती, बालिका अच्छा पढ़ती है, ठीक है। तो आई होप यू ऑल गॉट द मीनिंग ऑफ दिस, शीघ्रम इज फास्ट, मंदम इज स्लो, सम्यक इज गुड, उच्चैः लाउड, चनैः स्लो धीरे धीरे, ओके फाइन। वी विल सी द एग्जांपल्स नाउ, अभ्यासः, ठीक है। बालकः डैश पठति, ठीक है। यहाँ पे हर एक को अलग अलग शब्द आ सकते हैं, शीघ्रम पठति, मंदम पठति, नहीं शीघ्रम पठति कि उच्चैः पठति, सम्यक पठति, ओके। धन्यवाद हर्षिका जी। सोमिता मैम यूज ना करते हो आप, महोदया यूज कर लीजिए, ठीक है, दैट्स आल्सो फाइन, धन्यवाद। अस्तु, बालकः सम्यक पठति, आई गिव एन एग्जांपल, ओके। शिशुः डैश रोदिति, ओके फाइन, जस्ट अ मिनट, हाँ ओके। केवल, अरे जस्ट अ मिनट, सॉरी, ललिता जी वुड यू लाइक टू ट्राई दिस, यस मैम, या शिशु उच्चम रोदिति, हाँ रिपीट आफ्टर मी वंस मोर, ओके। शिशुः उच्चैः रोदिति, ओके शिशुः, क्षम्यताम, शिशुः उच्चैः रोदिति, ओके वन वन वर्ड, शिशुः उच्चैः, शिशुः उच्चैः रोदिति, ओके आप सब ठीक कह रहे हैं, सिर्फ शिशुः नहीं, शिशुः, ठीक है, ओके शिशुः, ओके ओके या ओके या ओके फाइन, शिशुः शिशुः उच्चैः रोदिति, हाँ उच्चैः रोदिति, ओके फाइन या शिशुः उच्चैः रोदिति, हाँ उत्तमम उत्तमम, धन्यवाद। अस्तु ओके, नेक्स्ट इज सह वृद्धः चेदपि, फिर भी डैश चलती, ओके यस। सो दीपक जी वुड यू लाइक टू ट्राई दिस, वन सेकंड प्लीज, सह वृद्धः चेदपि, चेदपि का अर्थ है फिर भी, डैश चलति, सह वृद्धः चेदपि मंदः चलति, नहीं नहीं इफ आई से कि सह वृद्धः, वो वृद्ध है फिर भी मंदम नहीं ना, शीघ्रम चलति ऐसा आएगा ना, हाँ यस, प्लीज से द होल सेंटेंस वंस मोर, सह वृद्धः चेदपि शीघ्रं चलति, हाँ धन्यवादः धन्यवादः उत्तमम्, थैंक यू मैडम, ठीक है उस, हाँ धन्यवाद। कूर्मः, कूर्मः इज टॉर्टोइस, ओके जस्ट अ मिनट, हाँ या कूर्मः गच्छति, कूर्मः डैश गच्छति, ओके सो यस मैम, मंदा हो गया क्या, हाँ यस यस दैट्स ट्रू, या मंदा मंदम, मंदः या मंदम, मंदम मंदम मंदम, हाँ स्लो, ठीक है, कूर्मः मंदम गच्छति, ठीक है स्लो जा रहा है, धन्यवाद, ओके। फिर है संकोचः मास्तु, संकोच मत कीजिए, डैश भोजनम करो तो, यस अर्पण गौतम जी वुड यू लाइक टू ट्राई इट, अर्पण जी, ओके फाइन, बिप्लब जी वुड यू लाइक टू ट्राई दिस,
ठीक है, समय कम आएगा। हेलो आम आम संकोच मास्तु डैश भोजनम करो सम्यकम भोजनम करो तो सम्यक भोजनम करो तो इज ऑल्सो फाइन। या फिर कोई अगर संकोच कर रहा है तो फिर वो बहुत जल्दी जल्दी खाता है ना, कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए तो हम क्या मतलब जल्दी बस। हाँ उत्तम, एक बार आप सेंटेंस कहेंगे। जी मैम, संकोच मास्तु मंदम भोजनम करो तो। हाँ आप आराम से भोजन कर लीजिए। धन्यवाद की जरूरत नहीं है। हाँ जी धन्यवाद धन्यवाद। हाँ ओके, नेक्स्ट वन इज न शुणोति किंचित डैश वदतु। ओके अनुराग जी, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस? महोदय ऑनेस्टली मेरे लिए टोटल गूगली है। ओके अस्तु, तो न शुणोति, सॉरी बोलिए बोलिए, या न शुणोति नहीं सुनाई दे रहा, नहीं सुनाई दे रहा किंचित उच्चैः वदतु। उच्चैः इज जोर से, जैसे सिंह उच्चैः गर्जति। ठीक है ओके या फाइन, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस? हां न शुणोति किंचित उच्चैः वदतु। हाँ उत्तमम, किंचित उच्चैः वदतु। धन्यवाद जी। ओके या द नेक्स्ट वन इज सा नृत्यम करोति। ये तो आई थिंक सबको आए। हाँ सम्यक, सिर्फ सम्यक सम्यक, सा सम्यक नृत्यम करोति। ओके धन्यवाद। अस्तु एतद् नाटकम बहु डैश अस्ति। जस्ट अ मिनट आई आस्क धर्मांशु जी, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस? धर्मांशु जी आर यू देयर? ओके फाइन, जस्ट अ मिनट। गौरी जी वुड यू लाइक टू ट्राई दिस? मैम प्लीज ऊपर के एक बार वर्ड्स देखने को मिलेंगे। आई विल टेल यू। ओके शीघ्रम मंदम, ठीक है सम्यक उच्चैः और शनैः। ठीक है सॉरी मैम, सम्यक बहु सम्यक सम्यक अस्ति। हां यस नाटक सम्यक अस्ति। सम्यक धन्यवाद। अस्तु अब अवधेयम यहाँ पे याद रखने जैसी चीजें क्या है, एतादृश वाक्यानाम, ऐसे जो वाक्य होते हैं उनके प्रश्न करने, उनको अगर प्रश्न पूछना है बालकः कथम, तो उसके लिए हम कथम इति अव्ययस्य प्रयोगः भवति। ठीक है तो वहाँ पे कथम इस प्रश्न का, इस अव्यय का उपयोग होगा। ठीक है जैसे बालकः कथम पठति व शिशुः कथम रोदिति। ठीक है जैसे हाँ जैसे यथा शिशुः कथम रोदिति। ठीक है अब ये हमने शब्द क्यों लिए, आई जस्ट टेल यू द रीजन, कि अगर समझ में नहीं आते फॉर नाउ दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। शीघ्रम इज फास्ट, क्योंकि बोलते समय जब हम सेंटेंस बिल्डिंग करेंगे, वाक्य रचना को देखेंगे, तब अगर फास्ट कोई जा रहा है, कुछ हो रहा है, शीघ्रम मंदम उच्चैः शनैः या फिर सम्यक, तो हमें समझ आना चाहिए कथम इज यस कैसे। बालक कैसे रो रहा है, बालक हाँ शिशु कैसे रो रहा है या फिर बालक कैसा पढ़ रहा है। ठीक है इस अर्थ में हम कथम का उपयोग करेंगे। ठीक है ओके, आई होप आई एम क्लियर विथ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ओके फाइन, अंशुल जी कैन यू प्लीज स्क्रोल डाउन अ बिट। मैम एक ऑप्शन था ऊपर सनेही, शनैहि इज स्लो स्लो। मुझे इसमें एक श्लोक याद आ रहा है जो घर में बहुत बार बोलते हैं, शायद ये सही है कि नहीं मुझे याद नहीं है। प्रकृति नैव मुच्यते यदि मुच्यते शनैहि शनैहि। कैन यू रिपीट इट स्लोली? प्रकृति नैव मुच्यते यदि मुच्यते शनैहि शनैहि। इसका मतलब क्या है? हाँ एक्चुअली पूरा इट्स
उसका अर्थ थोड़ा सा अलग हो जा रहा है. आई जस्ट फाइंड आउट दिस सेंटेंस, ये श्लोका, और ये श्लोका पूरा भी नहीं है, थोड़ा सा ही है. सो आई जस्ट फाइंड आउट दिस एंड आई विल गेट बैक टू यू टुमारो, बिकॉज थोड़ा सा कुछ तो यहाँ पे गलत है या अलग है, आई डोंट नो व्हाट. ठीक है, एंड आई विल गेट बैक टू यू. धन्यवाद. धन्यवाद. ओके, तो अभी हमने कथम देखा. अरे हाँ, कथम. ओके, तो अब हम ये देखेंगे कि कथम का उपयोग हम कैसे करते हैं. ऊपर के वाक्यों के लिए तो हम करते ही हैं, और आगे भी हम और कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे. ठीक है, कथम के लिए हम नीचे जो शब्द दिए गए हैं, सम्यक, जो मैं बहुत बार कहती हूँ, सम्यक, समीचीनम. ठीक है, ओके, सम्यक, समीचीनम. ठीक है, उत्तमम, सुंदरम. सुंदरम इज सुंदर, उत्तमम इज उत्तम, वेरी गुड. समीचीनम इज ऑल्सो गुड, एंड सम्यक इज ऑल्सो गुड. ठीक है, सम्यक को हम वैसे एक्यूरेट या करेक्ट भी कह सकते हैं, बट वी यूज इट एज गुड ऑल्सो. ओके, सो देयर आर सम क्वेश्चंस, आई जस्ट गो थ्रू देम. आरोग्यम, ठीक है, यहाँ पे गो आधा होना चाहिए, दैट्स माय टाइप, दैट्स अ टाइपिंग मिस्टेक इन द क्वेश्चन, क्षम्यताम. आरोग्यम कथम अस्ति, आरोग्य कैसा है, हाउ इज योर हेल्थ. ओके, हाउ, दैट्स राइट दीपक जी, यू रोट आरोग्यम सम्यक अस्ति. ठीक है, उसके बाद है वातावरण कथम अस्ति. अस्ति अगर सम्यक है तो हम कहेंगे वातावरण सम्यक अस्ति, या फिर बहुत अच्छा है, वातावरण उत्तमम अस्ति. और अगर अच्छा नहीं है तो हाउ कैन यू आंसर, वातावरण सम्यक नास्ति. अस्ति नास्ति, हमने देखा था अस्ति नास्ति, नहीं है. ठीक है, बालक कथम धावती, धावती इज दौड़ना. ठीक है, बालक सम्यक धावती, बालक समीचीनम धावती. ठीक है, दिस इज द वे यू कैन यूज दिस. उसके बाद है एतत वस्त्रम कथम अस्ति, ये वस्त्र जो है मेरे वो कैसे है. एतत वस्त्रम सम्यक अस्ति, ठीक है, एतत वस्त्रम सम्यक अस्ति. फिर भीमसेन जोशी कथम गायति, भीमसेन जोशी जी जो है वो कैसा गाते हैं. भीमसेन जोशी उत्तमम गायति, उत्तमम, उत्तम गाते हैं. ठीक है, ही इज अ क्लासिकल सिंगर, आई everyone must be knowing him. Okay, fine. Okay, yes, so this is the way we use katham. Okay, we'll dheere dheere ye samajh mein aayega. Okay, balak shigram dhavati ho sakta hai, yes, that's also right. Ma'am, vatavaran sundaram asti ho sakta hai, yes, ho sakta hai. धन्यवाद. अस्तु, ठीक है. यस अंशु जी, यू कैन स्क्रोल अ बिट. या यस, दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट. यस, वस्त्र के लिए हम सुंदरम का उपयोग कर सकते हैं, दैट्स आल्सो फाइन. ओके, तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि वी हैव सप्तक ककारः मेनली, वैसे बहुत सारे ककारः इस क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं वो बहुत सारे हैं, पर मेन जो है वो है सप्त, सात ककार है. ठीक है, वो कौन से है, विल सी दैट. ओके, किम, मतलब क्या, सॉरी आई वॉजंट एबल टू राइट इन हिंदी. ओके, बिकॉज आई टाइप्ड इट डे बिफोर येस्टरडे एंड आई डिडंट हैव एक्सेस टू टाइप मराठी और हिंदी और एनीथिंग इन देवनागरी येस्टरडे एंड टुडे ऑल्सो. ओके, किम इज व्हाट, क्या, मराठी में इट इज काय एंड गुजराती में शू. ठीक है, फिर अगर संस्कृत में उसका हम क्वेश्चन देखें तो वो क्या है, भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है. ठीक है, और या इफ यू आर कंफ्यूज्ड बिटवीन क्वेश्चंस, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू सेंड दिस टू यू, दिस रेफरेंस मटेरियल टू यू आफ्टर द क्लास, मे बी इन द इवनिंग, और तब आपको समझ में आएगा. ठीक है, अभी हम ये सारे सप्तक ककारः एक साथ क्यों ले रहे हैं, द रीजन इज कि वी आर लैगिंग बिहाइंड, और या वी आर लैगिंग बिहाइंड, और आगे के दो दिन में वी नीड टू कवर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स. ये सारे क्वेश्चन हमें जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमें उसका उपयोग समझ में आता जाएगा, सो डोंट वरी. ओके,
फिर कुत्र कहाँ, मराठी में कुठे, गुजराती में क्या एंड इंग्लिश में वेर, फिर भवान या फिर भवती, कुत्र वसती, कहाँ रहते हो या रहती हो, ठीक है। फिर है कदा, कदा क्या रे, इट इज इन गुजराती इट्स क्या रे, मराठी में केवहा, फिर हिंदी में कब और इंग्लिश में वेन, ठीक है। भवती प्रातः कदा उत्तिष्ठती, तुम सुबह कब उठते उठती हो, ठीक है। फिर कुतः कहाँ से, आम जेलम जी दैट्स राइट, ओके। कुतः मराठी में उसे हम कुठून कहते हैं, फिर हिंदी में हम कुतः कहाँ से, गुजराती में क्या थी एंड इंग्लिश में फ्रॉम वेयर, ठीक है। भवान कुतः विद्यालयम आगच्छति, जैसे हमने कल पंचम विभक्ति देखा था, हम गृहतः विद्यालयम आगच्छामि, ठीक है। वैसे अगर कोई पूछता है भवान आप कहाँ से विद्यालय को आते हैं, विल आंसर हम गृहतः विद्यालयम आगच्छामि, ओके। नेक्स्ट वन इज कथम, मराठी में कसे, हिंदी में कैसे, गुजराती में केवी रीते एंड इन इंग्लिश हाउ, ओके। आरोग्यम कथम अस्ति, आरोग्य कैसा है, आरोग्यम सम्यक अस्ति, या दैट्स गुड। किमर्थम क्यों, कशा साठी, फॉर व्हाट, सेना सेना माटे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन गुजराती, ओके। एंड किस लिए या क्यों, ठीक है। तो द क्वेश्चन कैन बी, बालाः किमर्थं क्रीडांगणं गच्छन्ति, बालक बच्चे क्यों क्रीडांगण प्ले ग्राउंड को जाते हैं, क्रीडनार्थम, ठीक है, जैसे हमने देखा था। सो दीज आर द सप्तक अकाराः, ओके फाइन। आर देयर एनी क्वेश्चंस, नो, या ओके। यस अंशुल जी, यू मे स्क्रोल डाउन अ बिट, ओके। वी आर स्टार्टिंग विथ च अपि एव इति, ओके। सो दीज आर ओके, दिस विल टेक मोर देन हाफ एन आवर, ओके। सो आई थिंक वी नीड टू स्टॉप ओवर हियर टुडे, बिकॉज दीज अव्ययानी जो है उनको आधे घंटे से भी ज्यादा टाइम लगेगा इफ यू टेक इट, और सब साथ में ही लेने हैं, ओके फाइन। अंशुल जी कैन यू जस्ट स्क्रोल डाउन अ बिट, आगे क्या है, जस्ट सी, हाँ नीचे, और ओके फाइन फाइन दैट्स फाइन दैट्स फाइन ओके फाइन, यू मे स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन, ओके या ओके। सो यस टॉपिक्स हम इससे आगे अभी नहीं लेंगे, बिकॉज वी आर वी नीड टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक एंड वी विल स्टार्ट इट टुमारो एज इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। बाय द टाइम यस आई वाज गोइंग टू टेल यू द सॉन्ग एंड आई फॉरगॉट इट इन बिटवीन, आई विल जस्ट टेल यू बाय द टाइम, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क, ओके फाइन ओके। आई विल सिंग द सॉन्ग, आगे का जो स्टैंजा है वो ऐसा है, दुख सागरे तरणीयम, दुख का जो सागर होता है ओके, उसमें तरणीयम, उसमें से हमें तरणीयम बाहर, उसके क्या बोलते तरणीयम, सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर द वर्ड फॉर तरणीयम, स्विमिंग या हिंदी वर्ड, तैरना, धन्यवाद, एट टाइम्स आई गेट कंफ्यूज्ड विद अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, ओके नो इशू मैम, धन्यवाद शिखा जी, या ओके। दुख सागर है तरणीयम, दुख के सागर में हमें तैरना है और उसे पार करना है। नेक्स्ट वन इज कष्ट पर्वत, कष्ट का जो पर्वत होगा उसके उसे भी हमें चरणीयम, उसे हमें चढ़ना है। फिर विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, कितनी भी विपत्तियां हो, कुछ भी हो, फिर भी हमें रुकना नहीं है, भ्रमणीयम, हमेशा ही चलते रहना है। और लोकहितम मम करणीयम, और मुझे हमेशा ही लोग
लोक का, पूरे लोक का हित करना है, मैं वो कैसे कर पाऊंगा या वो मैं कैसे कर पाऊंगी, वो मुझे हमेशा सोचना है, ठीक है। और फाइन, सो दिस इज वन पैराग्राफ, वन स्टैंजा। और एक है, आई विल टेल इट टू यू टुमारो, आज मैं आई जस्ट सिंग दिस फॉर यू। दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, लोकहितं मम करणीयम, लोकहितं मम करणीयम। ओके, सो ऑलवेज रिमेम्बर दिस, हमें हमेशा लोक का, लोगों का या लोक का हित के बारे में ही सोचना है, ठीक है। मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, किम लोकहितं मम करणीयम। ओके, ये ओके जी। अभी एज सनिता जी वो सेइंग शी गेट्स कंफ्यूज्ड अमंग लैंग्वेजेस, एक्चुअली इट इज वेरी ऑब्वियस टू गेट confused because she is a master in seven languages, you know, she knows seven languages including Hindi, English, Marathi, Gujarati, German, Sanskrit, Marwadi, have not missed any. So kabhi kabhi ho jata hai, isliye that's fine. And one thing I must acknowledge, Dharmanshu Patel ji, actually he is joining us from America, US, and he has to wake up at 2 a.m. to join us for this course, and that's why his efforts are truly appreciated. All of your efforts are truly appreciated, but he called me at the very last moment and he was very eager to join, and I'm very much happy that he is still, you know, here with us. So I really appreciate all of your efforts. And again, are we done with the class today? Yes, Arjunji, we are. Okay. So once again, thank you. If there are any questions, you can post them again. One thing I would like to mention is जो श्रृगाल की कथा आपने कल सुनाई थी गीत के माध्यम से, मैं शब्द तो भूल गया था लेकिन मेरे दिमाग में बार बार उसकी धुन चल रही थी, so it really hits hard and it's very good. If I'm not wrong, we have not sent that song to in the content. We are going to send it. Okay. So we'll include Sarman all. Sujhi has typed it for me yesterday after the class. I would like to appreciate him. Yesterday after the class, I got a mail from Dharmanshu ji that if I need any help for typing the worksheet, he can type it for me. So yes, That's right. In compared to what you are doing for us, you guys are doing for us. Thank you. Thank you. So okay, so once again, this is a repetitive request, but it is please take it very seriously that you have to go through the previous lectures, whatever we have covered, because as you are seeing, as we are heading, we have more tough, you know, kind of, you have to learn more and more. So okay, Abhijit is having a wonderful question which you are obviously, you know, in a expertise in. Ma'am, how is Sanskrit similar to German? I read an article earlier that both languages have some similarities. Yeah, so one more similarity, aaj humne jaise chaturthi vibhakti ki hai, so chaturthi vibhakti ke jo bhi there are particular, matlab specific verbs rehte hain, Sanskrit mein bhi hai aur German mein bhi hai, jaise namah jab bhi hum use karte hain tab hum hamesha, jaise maine kaha, तब हम हमेशा चतुर्थी विभक्ति का उपयोग करते हैं, वैसे ही जर्मन में भी देर आर पर्टिकुलर वर्ब जिसके लिए हम चतुर्थी विभक्ति का ही उपयोग करते हैं, सो दोज वर्ब्स आर सेम इन बोथ द लैंग्वेजेस। इफ यू वांट टू नो द पर्टिकुलर वर्ब्स, आई लेट यू नो इट टुमारो, आई हैव एन आर्टिकल ऑफ दोज वर्ब्स, आई विल जस्ट लेट यू नो टुमारो द पर्टिकुलर वर्ब्स। Yeah. One more thing, because in my university there was a separate department for German, and where I had many good friends, so they told me it is very much similar to Devanagari scripts, like in Hindi, it's English, Sanskrit, or Marathi. Hindi, Sanskrit, or Marathi. Like we have a lot of words in English which are not pronounced, you know, like known. So K N A W, but the K is silent, or many words are silent in that way. But in German, it is not as such. It is very much similar to Devanagari. The way it is written, it will be spoken the way
Absolutely. Is written. So this is a very good connect which a layman can understand without going into the complexities of grammar. So yeah, this is it. So I think we are done with today's session. So I would take this opportunity to thank you all for your patience, wonderful making it wonderfully interactive, for your questions, for your appreciate, you know, the way you appreciate the team. Sanita ji, of course, she all credit goes to her, and this way you are making your lockdown as well as our lockdown very much beneficial. So again, I would like to thank all of the participants. Please stay connected for the other 2 days. Please remember, you have to revise it again and again and again since day one till date. And as we move ahead, the course, you know, it piles up more and more. So it's better you finish it as soon as possible. And since attendance is recorded, please make sure for the other 2 days you are present. And at the last, thank you so much, Sanita ji, for your time, hard work, and you know, being so much patient with us and repeating things again and again so that our participants are able to understand. So with this, thank you all. We'll be sending you the worksheet content and the songs which we have done, the 2 or 3 songs whichever we have done till date, and I'll mail you as soon as we will prepare the final draft. So thank you again. Thank you all. Now I request all of you to leave the meeting so that we can end the session. Okay. Thank you.